मुरु का फोन आया है, उसको टेम्पो वाले के एड्रेस का पता चल गया है। और वो पुलिस को और अभी को लेके अपनी प्रज्ञा के पास पहुंचने वाला है। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। अगर वो लोग प्रज्ञा के पास पहुंच जाएंगे तो हमारी प्रज्ञा जल्दी वापस आ जाएगी। हिम्मत कैसी हुई आपकी मेरी मॉम से इस तरीके से बात करने की, उनकी परवरिश पे सवाल उठाने की। ये तो आप अभी के घर पे खड़ी है, वरना मेरी मॉम से इस तरीके से बात करने वालों को छोड़ती नहीं मैं। तनु, जबान संभाल के रहने दीजिए, इसे जो कहना है इसे कहने दीजिए, मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं। ये कह रही है ना कि मैंने कहा कि इसकी परवरिश कैसी की है इसकी माँ बाप ने, तो मुझे कुछ बोलना ही नहीं पड़ेगा। ये खुद बड़ों से कैसे तमीज से बात करती है सब पता चल जाएगा कि इसकी परवरिश कैसी हुई। बात को घुमाइए मत, मेरी माँ की परवरिश पे सवाल उठाने से पहले आप खुद की बेटी को क्यों नहीं देखती। सेक्रेटरी होके बॉस पे डोरे डालती, एक नौकरानी होके मालिक के घर की बहू बनना चाहती है वो। अरे आपने इसको कैसी परवरिश दी है और कैसे संस्कार दिए ये तो सबको दिख ही रहा है, लेकिन आप कम से कम थोड़ी अक्कल ही दे देती इसे। बिल्कुल भी अक्कल नहीं है तुम्हारे पास क्या? तुम्हें समझ में नहीं आता है कि प्रज्ञा इस घर की बहू है और डोरे वो अभी पे नहीं डाल रहे, तुमने अभी पर डोरे डाले। धर्म पत्नी है वो उसकी, दूसरी औरत तुम हमेशा थी और हमेशा रहोगी। सुबह आई थी ना तुम हमारे घर प्रज्ञा से उसका मंगलसूत्र लेने, क्या कहा था कि कुछ घंटों में शादी हो जाएगी, फिर कैसी किस्मत, कौन देखता है। हो गए ना कुछ घंटे लेकिन शादी नहीं हुई। अभी प्रज्ञा का था और उसके पास ही चला गया। तुम कुछ भी नहीं कर सकी, तुम जहां थी वहीं रह गई। दुनिया गोल है, प्रज्ञा जहां खड़ी है वही वापस आ जाएगी, यही कहा था ना तुमने। हाँ प्रज्ञा जहां थी वही है, उसका पति गया है उसे बचाने, लेकिन तुम जहां थी वही हो, दूसरी औरत थी और दूसरी ही रहोगी। मंगलसूत्र पहन लेने से और पति के नाम का कुमकुम लगाने से कुछ नहीं होता जब तक आपका सुहाग आपके साथ ना। प्रज्ञा का कुमकुम उसके भाग्य से जुड़ा हुआ, इसीलिए उसका पति उसका कुमकुम उसके साथ है, तुम्हारे साथ नहीं। ये बात तुम्हें कभी समझ में ही नहीं आएगी। छह फेरे लिए है ना तुमने, लेकिन वो आज भी प्रज्ञा के पास गया है तुम्हें एक फेरा छोड़कर। और मेरा मुंह मत खुलवाओ, तुम जानती हो कि अभी और प्रज्ञा का रिश्ता क्या है। अभी यहाँ नहीं है इसलिए अगर एक बार भी तुमने उनके रिश्ते पर सवाल उठाया ना तो उनकी शादी की फोटो तुम्हारे मुंह पर मार दूंगी। तुम तो औरत हो ही नहीं, औरत के नाम पर धब्बा हो, बच्चा किसी और का, शादी किसी और के साथ, तुम्हें तो कभी पति मिलेगा ही नहीं और अपने बच्चे को पता नहीं किसका नाम दोगी तुम। भगवान पर उंगली उठाई थी ना तुमने यही कहा था ना कि भगवान भी हमारी प्रज्ञा का साथ छोड़ देगा, क्योंकि अभी के साथ वो भगवान के भरोसे, जब अभी साथ नहीं रहेगा तो भगवान भी उसके साथ नहीं रहेगा। और आज देख लो, वो भगवान उसके साथ है, उसका अभी उसके साथ है, उसका कुमकुम उसके साथ है, उसका भाग्य उसके साथ है, और तुम यहां अकेली खड़ी हो।
इसीलिए कहते हैं कि भगवान को कभी ऐसा मत कहो, क्योंकि भगवान जब अपना चक्र चलाते ना तो ऐसी मार मारते कि कोई भी इंसान उससे बच नहीं पाता। समंदर अभी तूफान पे है, तूफान आया हुआ है उसमें। तनु की कश्ती ना वैसे डूबने को हो रही है, तुम ऊपर से अपनी कश्ती उतार लोगी तो वो भी डूबेगी ना। अरे कम से कम अपने माँ बाप को तो इस उम्र में बख्श दो, क्यों उन्हें तुम पुलिस स्टेशन और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाना चाहती। ऐसे मत देखो, मैं जानती हूं कि तुमने ही प्रज्ञा का किडनैप कराया। मुझे पता है कि तुम्हारे सिवा ये कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि तुम नहीं चाहती थी कि तुम्हारी शादी के समय प्रज्ञा जा रही, क्योंकि अभी का मन कभी भी बदल सकता था अगर वो प्रज्ञा को सामने देखता तो। इसीलिए तुमने ये सब किया है। सबूत नहीं है अभी मेरे पास, लेकिन जिस दिन आ जाएंगे ना उस दिन तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम नहीं जानती कि अपनी बच्ची की भलाई के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। फिर जब अभी को पता चलेगा तो वो तुम्हारा क्या हल करेगा ये तुम सोच भी नहीं सकती। मैं कुछ बोल नहीं रही, इसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी बोलती जाएंगी। मैं प्रज्ञा को क्यों किडनैप कराऊंगी? और सब जानते हैं कि जब प्रज्ञा किडनैप हुई मैं यहीं पे थी, मेरी शादी चल रही थी, तो मैं उसे किडनैप कैसे करवा सकती हूँ? होगी किसी और के साथ उसकी दुश्मनी, मैंने कुछ भी नहीं किया। और मामा आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, अब मैं देखती हूँ किसकी क्या हिम्मत होती है आपको कुछ भी बोलने की। आपको कुछ नहीं बोलेगा आपको। एड्रेस तो यही है, यहां बाहर तो कोई नहीं है, अंदर जाकर देखता हूं। हेलो हेलो, अभी कहां है तू? पूरा मैं उस एड्रेस पर पहुंच गया हूं, पर यहां पर कोई नहीं है। अच्छा सुन, तू ऐसा कर, तू वहीं रुकना, मैं पुलिस को लेकर पहुंच रहा हूं। ओके? नहीं नहीं पूरा, मैं और वेट नहीं कर सकता, मुझे अंदर जाना होगा। अरे यार तू रिस्क क्यों ले रहा है, अंदर कुछ भी हो सकता है। और अगर अंदर वो गुंडे हुए तो उनके हाथ में हथियार हो सकते हैं यार, और खुद पे खतरा देख के वो तुझ पे हमला भी कर सकते हैं। देख रिस्क मत ले, प्रज्ञा के बारे में सोच, अगर उसे कुछ हो गया तो। चिंता मत कर, मैं बस जल्दी पहुंच जाऊंगा वहां। कितनी जल्दी यार? देख एक घंटा तो लगेगा, अभी तो सुन रहा है ना, तू अंदर नहीं जाएगा। नहीं नहीं पूरब, मैं और इंतजार नहीं कर सकता, प्रज्ञा की जान खतरे में, उन लोगों के पास हथियार हुआ तो प्रज्ञा के साथ कुछ भी हो सकता है। मेरा अंदर जाना बहुत जरूरी है, मुझे उसकी जान बचानी है यार। यार अभी तू खुद सही सलामत रहेगा तभी तो प्रज्ञा को बचाएगा ना। अरे कुछ नहीं होगा मुझे, तू है ना, और तू पुलिस के साथ हाथ तो रहा है। तू एक काम कर, तू बस चल दिया। ओके अभी मेरी बात सुन, अभी रुक, अभी पता नहीं कहां होगी प्रज्ञा। अरे भाई इतनी ठुकाई तो हमारे स्कूल के मास्टर ने भी नहीं की जितनी तुमने आज कर दी। अरे अगर मास्टर जी ने ठुकाई की होती ना तो आज तू मेरे पास ना होते, समझे? एक बात बोलूं, स्कूल में जब भी मैं मास्टर जी के हाथ में डंडा देखा करता था ना तो यही सोचता था कि एक दिन मैं भी मास्टर जी बनूंगा,
और मेरे हाथ में भी डंडा आएगा और उसके बाद मैं सबकी पिटाई करूंगा। लेकिन आज तुम लोगों की पिटाई करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरा आधा सपना पूरा हो गया हो। अब बात रही आधे सपने की, वो जल्दी वो भी पूरा हो जाएगा और फिर आधा आधा मिला के पूरा हो जाएगा। मास्टर जी बन जाऊंगा। सर मे आई कम इन? आजा आजा। अरे सर जी, प्रिंसिपल साहब। सर जी आप? मैं। अरे यहाँ मैं नहीं आऊंगा तो और कौन आएगा पे? बोला था आ रहा हूँ। अरे सर जी मैं तो वो वैसे ही। इन्हें क्या हुआ? सर जी मैंने इनको सजा दी है। किस बात की? ये लोग दारू मांग रहे थे और मैंने ऐसी मार लगाई है कम से कम 6 महीने तक दारू का नाम तक नहीं लेंगे। अच्छा ये सब छोड़ो और ये बताओ कि प्रज्ञा कैसी है? सर जी बिल्कुल ठीक है, अंदर बांध के रखा हुआ है। ठीक तो है मगर ज्यादा देर के लिए ठीक नहीं रहनी चाहिए। अगर वो ठीक रहेगी तो हम सबके साथ गलत हो सकता। लेकिन सर जी ऐसा क्यों? तुम्हें बताया था मैंने कि उसका पति उसे ढूंढ रहा है। लेकिन सर जी उसे क्या पता कि हम लोग यहां पर हैं? अपने दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। ढूंढ रहा है और अगर मिल गई तो उसका वेट नहीं करना चाहिए, उससे पहले हमें उसे दूसरे ठिकाने पे ठिकाने लगा देना चाहिए। यानी कि आप ये कहना चाहते हो कि हम इसको कहीं और शिफ्ट करते हैं? हाँ हमेशा हमेशा के लिए शिफ्ट करना है, यानी ऊपर वाले के पास। हो जाएगा। सर जी उसे मारना जरूरी है क्या? नहीं मेरा मतलब है कि उसका कसूर क्या है? सिर्फ यही ना कि उसने प्यार किया है? अरे जाने भी दो सर जी, बेचारी बड़ी भोली है। जब वो अपनी लव स्टोरी सुना रही थी ना तो मुझे भी रोना आ रहा था सर जी। अबे बहन है क्या तेरी हैं? और यहां रोने धोने के लिए बुलाया मैंने इन्हें? कैसी कैसी गंदी गंदी बातें कर रहा है ये? काम कैसे करता है इन लोगों के साथ? देख बेटा काम का एक उसूल होता है, जहां काम करना होता है वहां पे इमोशंस नहीं घुसाते। अब किसी को किडनैप किया है तो किडनैप किया है, उसमें उसे रिश्ते की जोड़ने हैं यार। किडनैपर बन। अच्छा वैसे तुम सब में से खून करना किसे आता है?
हो तुम? धक्का काहे मारा? प्रज्ञा कहाँ है? कहाँ है मेरी फूकी? अरे कौन प्रज्ञा और कैसी फूकी? सीधे सीधे बोल वरना बोल कहाँ है? अरे भाई तुम मारते जाते हो और बात कम करते हो। अरे भैया हम किसी फूकी वाकी को नहीं जानते भाई। अब बोल बोल। हम सच कहते हैं भैया, हम ना ही तो कोई प्रज्ञा को जानते हैं और ना ही कोई फूकी को जानते हैं। हमने तो उनको देखा तक नहीं अभी तक। ये दोनों एक ही जाने जैसे तुम लोगों ने किडनैप करके यहाँ पर लेकर आए। कौन सा टेम्पू? क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हम तो भाई दूध वाला है, दूध बेचता हूँ। कसम जहां हमारी भैंस के और गाय के अलावा किसी को नहीं देखा। बोल 4124 तेरा टेम्पू है ना? हाँ। बोल। हाँ, मेरा ही। उस पे ही हम दूध बेचता हूँ, लेकिन वो तो 2 दिन पहले ही चोरी हो गया। मेरे पास उसकी रिपोर्ट भी लिखवाई हुई है। रिपोर्ट दिखा, दिखा रिपोर्ट। ये तो सच में रिपोर्ट लिखी हुई है। मतलब किडनैपर्स ने किडनैपिंग के लिए इसका टेम्पो चुराया ताकि कोई ढूंढने आए तो इसे पकड़े। मतलब वो कोई छोटे मोटे गुंडे नहीं, प्रोफेशनल से। सॉरी भाई साहब, वो कुछ लोगों ने मेरे दोस्त को किडनैप किया है और वो जिस टेम्पो में किडनैप किया था वो उस टेम्पो का एड्रेस यही का था, इसलिए कंफ्यूजन हो गया। वो कोई बात नहीं भैया, हम भगवान से प्रार्थना करा कि तुम्हें तुम्हारी दोस्त और हमें हमारा टेम्पो मिल जाए। तुम लोगों से कुछ पूछ रहा हूं मैं, किसी ने खून वून भी किया या सिर्फ नाम के गुंडे हो? हाँ हाँ, अरे निकम अपने मुंह खोलोगे या लगाऊं एक एक? अरे भाई अभी तक मैंने किसी को मारने की धमकी तक नहीं दी। और तू? अरे तू तो पहले दूसरे गैंग में था ना, और मोहल्ले का दादा भी था तू। तूने तो एक आदमी को टपकाया होगा, है ना? अरे भाई आज तक मेरी किसी से मारपीट तक नहीं हुई, और जो मैं दूसरे गैंग में था ना तो वहां मेरा काम सिर्फ चोरी का था। अगर कोई गलती से उड़ भी जाता था तो मैं वहां से भाग जाता था। अरे चल अब तू भी अपनी राम कथा सुना दे। भाई मैंने आज तक किसी औरत पे हाथ नहीं उठाया भाई। वाह, एक से एक नगीने तराश के लगा रखे तूने अपनी इस गैंग में। अगले इतनी अच्छी गैंग कैसे बनाई तूने? वैसे तेरा भी कोई बहादुरी का किस्सा होगा, फिर भी सुना दे। अरे सर जी, मैंने एक बार एक आदमी को मारने की कोशिश तो की थी, लेकिन वो मेरे से ज्यादा ताकतवर था, तो उसकी लगाई हुई मार मुझे आज भी सपने में दिखाई देती है। बस बस बस, आगे बताने की जरूरत नहीं, मैं समझ गया। तुम लोग गैंग नहीं हो, बैंड हो, बैंड रॉक ऑन। और किस गलत धंधे में आ गए? तुम्हें तो शादी ब्याह में तूतनी बजानी चाहिए। मुझे कुछ करना होगा। कहाँ है वो प्रज्ञा? हर पुरानी चीज को एक दिन खत्म होना पड़ता है। हमारी दुश्मनी भी अब काफी पुरानी हो गई। इसे खत्म करने के लिए तुम्हें खत्म करना ही होगा, और फिर मुझे हर उस थप्पड़ का भी तो हिसाब देना है जो तुमने मुझे। बस बस, अब तुम्हें तड़पते हुए देखने की मेरी आखिरी ख्वाहिश है, और इस बार मैं पहले जैसे गलती नहीं करूंगा। तुम्हें मैं नहीं बल्कि कोई और मारेगा, कोई ऐसा जिसके लिए खून करना बस एक थप्पड़ मारने जैसा होगा, कोई ऐसा जिस काम में एक्सपीरियंस होगा। मैं जानता हूं कि तुम आसानी से मरने वालों में से नहीं हो, तो इस मुश्किल काम को आसान बनाने के लिए मुझे उसे बुलाना होगा। सोते हुए शेर को कौन जगा रहा है? ऐसा ना हो भाई मैं इसी का ही शिकार कर दूं। अभी सिर फिर को फिर से मेरे से काम पड़ गया। हेलो, राम राम सर जी, बोलो आज रात को किसका शिकार करवाओगे? पहले नींद से जाग,
तेरी सुस्ती फोन में से यहाँ तक आ रही है। एक बात बताता हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब शेर सुस्त होता है ना, इसका मतलब ये है कि वो बहुत ज्यादा भूखा होता है। आप बस अपना शिकार का पता बताओ, फोटो बताओ, है उसके कितने टुकड़े करने हैं मैं आपको बताऊंगा। तो फटाफट से यहाँ चांदीवली वाले अड्डे पे आ जाए। नहीं मतलब शिकार आपके पास ही है? हाँ, एक लड़की है उसे खत्म करना है, बट तड़पा तड़पा के। अरे सर जी, ऊपर वाले बाबे की कृपा है, जो भी मेरे सामने आता है वो सिसक सिसक के दम देता है अपना। कहने का मतलब है जान दे देता है। आप फिक्र मत करो, मैं कल सुबह तक आता हूँ। सुबह नहीं, अभी इसी वक्त। रात में काम खत्म करना है। सुन तो लो सर जी, बोलते जाओगे। वो क्या है ना, मैं बॉम्बे से बाहर हूँ, आउट ऑफ सिटी, तो मैं अभी भी निकलूंगा ना तो सुबह हो जाएगी पहुँचते। अब टेंशन ना लो, मैं टाइम से पहुँच जाऊँगा। चल ठीक है, लेकिन जल्दी आइए। हाँ जी ठीक है जी, ठीक है, ओके। बस ये आखिरी बार किस्मत तुम्हारा साथ दे रही है, जो कुछ घंटे और दिए हैं तुम्हें जीने के लिए, पर कल का सूरज तुम्हारी जिंदगी अस्त करने के लिए आएगा।